हेलो बच्चों, आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ का टाइटल है राइजिंग प्राइजेस इन इंडिया, यानी भारत में बढ़ती हुई कीमतें, उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। समझते हैं एक एक लाइन का, बहुत अच्छे से मतलब समझते हैं। कोई कसर रह जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। देखिए सबसे पहले लाइन, द राइजिंग प्राइजेस, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ऑफ कमोडिटीज़, सामान की, इज अ बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है। प्राइजेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की कीमतें आर राइजिंग, बढ़ रही हैं रैपिडली, बहुत तेज गति से। इवन द प्राइजेज ऑफ, यहाँ तक कि उन चीज़ों की कीमतें, एसेंशियल कमोडिटीज़, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सामान ज़रूरी होता है, उनकी कीमतें, जैसे कि शुगर, ऑयल, कॉटन, टी, पल्सिस, फूड ग्रेन्स, पेट्रोल एट्सेट्रा, हैव ग्रेटली इंक्रीज्ड। चीनी की, तेल की, रुई की, चाय की, दालों की, अनाजों की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। द पुअर पीपल ऑफ द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, ऐसे लोग जो गरीब हैं जिनकी आमदनी बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि सैलरीड पीपल, ऐसे लोग जिनको सैलरी मिलती है, लेबरर्स, ऐसे लोग जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आर द वर्स्ट सफरर्स, इन चीज़ का यानी बढ़ती हुई कीमतों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इन लोगों पर, सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनके लिए मुश्किल हो गया है, टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है इन लोगों के लिए। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आर गोइंग, वो जा रही हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की पहुंच से बाहर निकल गई हैं, गरीब लोग उनको खरीद नहीं पा रहे हैं। वन ऑफ द रीजन्स, इनमें से एक रीज़न है फॉर राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों का, क्या है वो, इज आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर प्रोड्यूस्ड, पैदा किए जा रहे हैं, एवरी ईयर, हर साल। बट, लेकिन द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं का उत्पादन है, डज नॉट इंक्रीज, वो नहीं बढ़ाया जा रहा, एट द सेम स्पीड, उसी गति से जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ रहा। देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, सो द प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज, इसलिए कीमतें भी बढ़ गई हैं। द ब्लैक मार्केटर्स, जो काला धंधा करने वाले हैं, काला बाजारी करने वाले हैं, एंड होल्डर्स, जो सामान को रोक के रखते हैं, जिन्हें हम जमाखोर कहते हैं, वो लोग आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उत्तरदायी हैं, कि किस चीज़ के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स, कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, उसके पीछे कौन कौन जिम्मेवार हैं भाई, ब्लैक मार्केटर्स एंड होल्डर्स। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, वी शुड चेक, हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए, आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की जांच पड़ताल करनी चाहिए, सोचना चाहिए क्यों बढ़ाएं हम जनसंख्या। आखिर आगे देखिए, द गवर्नमेंट शुड पनिश, सरकार को पनिश करना चाहिए, दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, द ब्लैक मार्केटर्स, काला बाजारी करने वालों को, एंड द होल्डर्स, ऐसे लोगों को जो वस्तुओं को रोक के रखते हैं, उनको सजा देनी चाहिए। देयर शुड बी नो टैक्स, टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, ऑन द आइटम्स, ऐसी चीज़ों पर, ऑफ डेली यूज, जो रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे टैक्स हटा देना चाहिए। ओनली देन, सिर्फ तभी, कैन वी फाइट, हम लड़ सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसकी समस्या के साथ हम लड़ सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, कब, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, जब सरकार इनको दंड देगी लोगों को, और टैक्स नहीं लगाएगी ऐसी चीज़ों पर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये था आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसे लिख लेना, याद कर लेना, और कल मुझे अच्छे से सुना देना। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।